हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आर्टिस्ट सुमित कुमार स्केच गुरु आया हुआ। कल मेरे पास एक कमीशन वर्क जो कि है डॉक्टर नीरज बोरा जी का जो विधायक लखनऊ से। सो मैं इस पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करूंगा। जो इसमें मैं यूज करूंगा, इसमें मैं वाटर कलर पेपर का यूज करूंगा। मैं वाटर कलर वो वॉश टेक्निक के द्वारा उसे जो है मैं वॉश टेक्निक से मैं उसका जो एक्स्ट्रा कलर है उसे मैं निकालूंगा। उसके बाद मैं पेपर को सूख जाने के बाद उसे पेंसिल कलर पर यूज करूंगा। तो आइए चलते हैं वर्क पे और देखते हैं हम क्या क्या चीज़ों को जो यूज़ करें, आप जिन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो टेक्निक है मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ। उसमें आप लोग यूट्यूब को लाख से जरूर देखिएगा, देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसे आता है। तो मैंने जो है आउटलाइन को कर लिया है पेपर पे बहुत अच्छे तरीके से, और जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रुष्टो का 300 GSM वाटर कलर बेस पेपर है। तो आप लोग जो है ब्रुष्टो का जो है पेपर ले सकते हैं वाटर कलर के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये वाटर कलर के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। बाकी आउटलाइन हो चुकी है पूरी अच्छे तरीके से, परफेक्ट। सो गाइस जो मैं यहाँ पर वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ वो आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि कैमलिन के हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये कलर। और तो इसी से मैं जो है इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे मैंने ले लिया पानी, ये बाकी ये मेरा कलर पैलेट, इसको मैं वाटर कलर को बनाकर यूज़ करूँगा। वाटर कलर को वाश करने के बाद मैंने पेंसिल कलर स्टार्ट कर दी। अभी मैं फर्स्ट लेयर कर रहा हूँ पेंसिल लेयर की, और जो स्केच है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बन रहा है। और इसमें मैंने बताया था कि मैं पेपर वाटर कलर का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो हमारी फाइबर क्रिस्टल पॉलीक्रोम पेंसिल है बहुत अच्छी काम कर रही है। और मैंने इस स्केच को भैया को दिखा दिया, भैया ने कहा आपका वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच भैया जी दिल से। एंड अभी इस स्केच को लिखना है फ्रॉम शशांक जोशी, जो कि भैया जी का नाम है, और ये डॉक्टर नीरज बोरा जी का। तो मैंने जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश की स्केच। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को स्केच कैसा लगा। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह के इंटरेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।